हेलो दोस्तों, बी आर सन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है स्टेबलाइजर के ऊपर और अपना भाई लोग पूछते रहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी स्टेबलाइजर कौन सा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि अपना जो गणपति चतुर्थी के टाइम में जो विसर्जन का वीडियो था दोस्तों, उसमें क्या है मेरा बेस जो चलाए थे उसमें दोस्तों क्या है बेस जो उसका अच्छा खासा आवाज़ कर रहे थे। मान लो उसमें क्या स्पीकर के ऊपर डिपेंड भी करता है, ठीक है, स्पीकर के ऊपर डिपेंड में करता है और एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड में करता है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, उसमें क्या है दोस्तों स्टेबलाइजर का बहुत रोल होता है। जब तक स्टेबलाइजर एम्पली जितना वोल्टेज चाहिए होता है दोस्तों उतना नहीं देते, देने से क्या होता है कि कोई भी स्टेबलाइजर और कोई भी अपना क्या नाम बोलते हैं एम्पलीफायर और स्पीकर अच्छा साउंड नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें क्या आप लोगों को भी दिखा है कि उस वीडियो में उसका जनरेटर जो है दोस्तों कितना बड़ा था, लेकिन बड़ा होने के बाद भी क्या दोस्तों उतना प्रॉपर लोड नहीं दे पाता था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दोस्तों इस स्टेबलाइजर मेरे साथ बहुत ये दिया हुआ है और आप लोगों ने क्वालिटी भी सुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ढांचे का स्टेबलाइजर है और मैंने जनरेटर में दोस्तों क्या है लिया था, जब मैं सेट किया जनरेटर देने के बाद क्या है दोस्तों मैंने 240 45 तक मैंने सेट किया हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या दोस्तों वोल्टेज बहुत ही कम फ्लैक्चुएट हुआ है, मतलब 240 सेट किया है दोस्तों, क्या मेरे पास कोई कितना हैवी बेस है आप लोगों को पता है, लेकिन उसमें भी क्या दोस्तों 240 मतलब 220 से नीचे कभी आया, कभी 210 तक लास्ट तक आया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में दोस्तों क्या है ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और अपना भाई लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा स्टेबलाइजर लेना सही है। तो दोस्तों आप लोग नाम देख लो, ठीक है, ये है स्टेबलाइजर का कंपनी का नाम और इसका लुक, इसके ऊपर वगैरह दोस्तों मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ और रिकमेंड भी कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर खुद ही ऑन टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसके ऊपर क्या दोस्तों टॉप पे मैं लगा रखा था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसके ऊपर बेस भी लगा था। दोस्तों बेस भी लगाने के बाद ही मुझे पता चला कि इसका क्या परफॉर्मेंस है दोस्तों। ठीक है, और एक है दोस्तों, और दूसरे अपना स्टेबलाइजर था उसका नाम तो मैंने नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों वो क्या है 245 सेट करने के बाद भी दोस्तों ओनली फॉर टॉप चल रहा था, बेस नहीं चलाया था उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है 180 190 पर दोस्तों इतना फ्लैक्चुएट हो रहा था हाई भी करने के बावजूद भी। ठीक है, तो उसलिए क्या दोस्तों मेरा एम्पलीफायर ख़राब हुआ है और ये जो बेस पे लगाने पर दोस्तों इसका क्वालिटी कैसा है वो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ठीक है, फिर क्या क्या एम्पलीफायर में क्या क्या ख़राब हुआ मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये है मेरा एम्पलीफायर और ये मेरा एम्पलीफायर दोस्तों ख़राब हो चुका है और ये जो है ख़राब तब हुआ है जब हम अपना गणपति विसर्जन में दोस्तों लेके गए थे। ठीक है, तो उस टाइम दोस्तों आप लोग ने सुना होगा कि उसमें काफ़ी बहुत तेज़ बज रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या उससे भी और क्या है मैं 20% बढ़ा सकता था, लेकिन मेरा स्टेबलाइजर दोस्तों ऐसा था कि ज़्यादा ही वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज क्या है अपना वोल्टेज दोस्तों क्या स्टेबल नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या बेस का स्टेबलाइजर जो है दोस्तों स्टेबल कर पा रहा था, इसलिए कि आप लोग को बेस का क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा क्योंकि वोल्टेज अच्छा होने के चलते ये चला। ठीक है, तो दोस्तों ये एम्पलीफायर का मॉडल नंबर ये है, ये ATI Pro का आता है। ठीक है, और ये मेरा दे रखा है अपना साउंड का नाम दोस्तों, ये मॉडल नंबर है SP5600। ठीक है, ये ATI Pro कंपनी का है दोस्तों, अभी ATI Pro ने भी मेंशन कर दिया है कि ये ब्रांड मेरा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एम्पलीफायर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, फुल मतलब इतना लो वोल्टेज में इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसने भी क्या दोस्तों मेरे को एक बार वार्निंग दिया था, क्योंकि कंडीशन ऐसा था कि मैंने कुछ मेरा गलती ही बोलूँगा उसको दोस्तों, जब उसको क्या है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के चलते दोस्तों, ये जब वोल्टेज होता है फ्लैक्चुएशन दोस्तों क्या एम्पलीफायर ऊपर क्या ना क्या दोस्तों ये पावर के ऊपर और ये जो है दोस्तों मेन ट्रांजिस्टर के ऊपर जो है ये जो है वोल्टेज ये अपना डायरेक्ट वोल्टेज को दोस्तों कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर क्या लोड बहुत पड़ता है। ठीक है, तो उस लोड के चलते दोस्तों ये जो है एम्पलीफायर ओवर हीट होकर बंद हो गया था, क्योंकि कंडीशन ऐसा था कि मैं बंद नहीं कर सकता था, मतलब एक एम्पलीफायर दोस्तों क्या स्टैंड बाय तो था, स्टैंड बाय को दोस्तों चेंज करने के लिए मुझे कम से कम पाँच या दो तीन मिनट दोस्तों लगना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक गाना ख़त्म हो जाए बस, उस गाने के लिए क्या दोस्तों जब ऑफ होता है दोस्तों ये रिसेट का जो ये ठुल्लू है ना, जो हरुल्लू बोलते हैं ना इसको, ये जो रिसेट वाला दोस्तों ये क्या है यहाँ तक निकल जाता है। ठीक है, ये जो ठुल्लू यहाँ तक निकल जाता है, यहाँ तक निकल आ गया था, फिर मैंने हाथ मारे अंदर किया, मैंने ज़बरदस्ती दोस्तों बजाए। ठीक है, ज़बरदस्ती बजाए हैं तब भी दोस्तों ये गर्म होकर शॉर्ट हो गया है और ऊपर क्या दोस्तों दो में से एक तो ठीक था लेकिन एक बिल्कुल वीक हो गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है
इतना गर्म हो गया, ये शॉर्ट होती ही इसने क्या कर दिया है, ये मेरा एक ब्रिज रेक्टिफायर को भी दोस्तों पूरा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट होने के साथ साथ तब भी मैं बंद नहीं किया, तब ये मेरा ये प्रिंट जो है दोस्तों बिल्कुल ही जला दिया है दोस्तों। तब भी बज रहा था, जलने का स्मेल आया, तब मैंने उसको बंद किया क्योंकि गाना ख़त्म हो गया था। कंडीशन ऐसा थी कि मैं बंद नहीं कर सकता था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या है दोस्तों, कभी ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मेरा कंडीशन ही ऐसा था कि तभी मुझे ऐसे करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, मेरा इस गलती की वजह से मेरा ये जल गया है और ये मेरा दो चीज़ जल गया है। और ये जो दोस्तों ये पार्ट्स जो है मोनाम मुझे अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, और वैसे तो मैंने क्या है शायद देख रहा है दोस्तों ये। ठीक है, ये क्या है 81 9132 ऐसा कुछ है दोस्तों, इसमें कुछ आप लोग दिख रहा है तो दोस्तों पता ना, मुझे तो अभी दिख नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ क्या है, मैंने लोकल मैंने परचेस करने की कोशिश किया लेकिन लोकल में दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये मिलता नहीं है, और ये ब्रिज तो पता नहीं दोस्तों ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी इसके ऊपर तो पता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट्स जो है मैंने अपना संतोष भाई से ऑर्डर कर दिया है, आएंगे 5-6 दिन के बाद आएंगे दोस्तों, तभी क्या हम उसको फिट करके ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो फिर बना देंगे दोस्तों। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हम आपको ठीक रहे नहीं बताने वाले, जस्ट आप लोग ये दिखाना था कि दोस्तों क्या गलती करने पर क्या ख़राब होता है, बस यही चीज़ दिखाना था। ठीक है, पूरा खोल खाल के कर लिया है, और फिर भी दोस्तों मैंने ड्राइवर कहीं ये तो नहीं चला गया, उसको ऊपर मैंने चेक कर लिया है। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर जो है एक एक करके पूरा खोल के मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, मतलब वो 1-2 मिनट का गलती इतना मेहनत कर दिया करवा दिया है दोस्तों। ठीक है, पूरा खोल के चेक किया हुआ है, ये पूरा खोल के चेक किया, इसको भी पूरा चेक किया, इसको भी चेक किया, और यहाँ पे दोस्तों जीनर डॉट वगैरह है। ठीक है, तो उसको भी खोल के चेक किया हुआ है, लेकिन अभी तक तो क्या है दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ये ड्राइवर बोर्ड जो है दोस्तों खोल के मैंने लेफ्ट साइड वाले में भी लगा के चेक किया, तभी दोस्तों ड्राइवर बोर्ड क्या ठीक ठाक चल रहा है, और ये भी दोस्तों क्या है रिले बोर्ड जो है और ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ किया दोस्तों, ये जो है ये इस तरफ क्यों नहीं जला, आप लोग के दिमाग में ये होंगे दोस्तों, इसलिए यूँ ये नहीं जला कि दोस्तों ये जो है ना मैंने PD1850 किया दोस्तों ऑन टेस्ट के दौरान, इसके ऊपर मैंने रन किया था 8 ओम्स में। ठीक है, काफ़ी देर में रन किया, तब क्या दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन ICU जो ट्रांजिस्टर वगैरह मोस्फेट वगैरह दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, ये जो है प्रॉब्लम आया ड्राइवर बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम आया, लेकिन दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड क्या दोस्तों कुछ प्रॉब्लम था, कमज़ोर हो गए थे, जलता था दोस्तों, क्या हमें कैसे ना कैसे चेक करके पता कर सकते थे, लेकिन दोस्तों क्या है कमज़ोर होने का क्या है होने के चलते मैं नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मैं खुद दोस्तों भूल गया हूँ। देखो आज से लेके कितना साल हो गया है, मेरे हिसाब से 23-24 साल हो गया है दोस्तों। ठीक है, अपना वो जो सीखा था इसका वैल्यू वगैरह निकालना दोस्तों क्या, ठीक है वो सब मेरे दिमाग से निकल गया है। अभी कोशिश भी करूँगा ना दोस्तों, उतना जल्दी आएगा भी नहीं, तो इसलिए क्या मैंने वैल्यू वगैरह को निकालना ही छोड़ दिया है। और जहाँ तक अपना टेस्ट है वगैरह दोस्तों क्या चेक करना है कैसा क्या नहीं है, वो यूट्यूब में था। ठीक है, यूट्यूब में था और कुछ मेरे दिमाग में था, उसे चलते कि दोस्तों क्या ये मैं रिपेयर कर पा रहा हूँ। और ये जो है दोस्तों इसके लिए जब ये कमज़ोर हुआ था दोस्तों, मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा एम्पलीफायर है तो उसको हम उंगली के लिए करना, मैंने हमारा लोकल में क्या है दोस्तों 4-5 दिन तक एम्पलीफायर को लेके घूमा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है इस एम्पलीफायर को ठीक करने वाला कोई नहीं मिला। तब मैंने क्या है दोस्तों इसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया, क्या चीज़ है, कहाँ से इन हुआ, कहाँ से आउट हुआ, ऐसा करते 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 दोस्तों ठीक है लास्ट में ही इस बोर्ड को ऊपर मिला। तब उसके बाद क्या दोस्तों क्या चीज़ है ये समझने के लिए मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, और तभी मैं अभी यहाँ पर रिपेयर कर पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो कोशिश करना कि दोस्तों जब तक ख़राब नहीं हो रहा है तब तक आप उन लोगों उस मतलब उस चीज़ को क्या दोस्तों आप लोग खोल के ट्राई नहीं करना है जब ख़राब होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, खोलना नहीं आता तो नहीं खोलना है, क्योंकि मैं तो क्या है दोस्तों थोड़ा बहुत पहले से ही काम करके रखे हुए थे, तो उससे ज़्यादा TV वगैरह में रिपेयर करता था पहले ज़माने में। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक क्या मुझे SMPS के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर था इसलिए मैं खोल के चेक कर रहा हूँ, ये भी SMPS होता था दोस्तों, क्या मैं वैसे के वैसे ही पटाख देना था कोने में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है अपना वीडियो यहीं तक है, और ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप लोगों को दोस्तों लेना है स्टेबलाइजर तो क्या अंधाधुंध स्टेबलाइजर नहीं उठाना है। ठीक है, ब्रांडेड ही उठाने की कोशिश करना, और नहीं पता है ब्रांडेड कौन से ब्रांड में कौन सा क्या काम है दोस्तों, अपना अड़ोस पड़ोस या जो अपना DJ वाला बाय है उसे पूछ के ही दोस्तों स्टेबलाइजर लेना। ठीक है, स्टेबलाइजर के ऊपर बहुत मेन रोल होता है साउंड क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, यदि आपका पास बेस है तो दोस्तों क्या है मैंने पहले भी कम से कम आज से 4-5 महीने पहले मैं वीडियो एक बनाया था, बेस के लिए आप हमेशा अच्छा क्वालिटी वाला स्टेबलाइजर इस्तेमाल करो, तभी आपका बेस क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
तो इसके लिए क्या दोस्तों, मैंने उस दिन मैंने सब्जर अपना चेंज किया था, तभी बेस क्वालिटी आप लोगों को अच्छा मिला। लेकिन उस बेस में जो यूज़ करता वो स्टेबलाइजर मैं इसके ऊपर यूज़ किया, ये आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट मिला है। ठीक है, अपने वीडियो का दोस्तों क्या लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।